अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामी तारीख के हवाले से तुर्की में बहुत से तारीखी ड्रामे दिखाए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सलजूक ड्रामा जो कि अभी अभी अपने इख्तिताम को पहुंचा है, अब आने वाली नई सीरीज़ में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ तो होंगी, तो आज हम उस ड्रामे के बारे में मुख्तसर बात करेंगे। उससे कबल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। आपको बताते चलें कि उस्मान की बीवी जिनका नाम फारिया अलचन है, उनका शुमार भी तुर्की की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता है और उन्होंने भी बहुत से मशहूर सीरीज़ में काम किया है और उसके साथ साथ वो तुर्की में आला मॉडल्स में भी शुमार की जाती हैं। आने वाले सलजूक ड्रामे में उस्मान की हकीकी बीवी अलपरसलान की बीवी का किरदार अदा करेंगी। चूँकि उस ड्रामे को नए सिरे से दिखाया जाएगा तो जाहिर है कि उसमें एक्टर भी बदल दिए जाएंगे, यानी नए एक्टर्स नए किरदार के साथ आएंगे। उस ड्रामे में एक तुर्कश एक्टर अलपरसलान का किरदार अदा करेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि उस्मान की बीवी उस ड्रामे में उसकी खातून बनेंगी, लेकिन अब फारिया अलचन के फैंस उन्हें अब नए अंदाज में देख सकेंगे। चूंकि फारिया को द ग्रेट सलजूक बड़ी तारीखी सीरीज का हिस्सा बनाया जाएगा और उस हवाले से तुर्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक फारिया को सलजूक सीरीज में एक नहायत अहम रोल दिया जा रहा है, जिसके मुताबिक वो महल का हिस्सा बनती हुई नजर आएंगी। यानी जिन तारीखी सीरीज के आपस में एक मुकाबले की तवक्को की जा रही है, उनमें से एक में तो उस्मान बे मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं तो दूसरी सीरीज में उनकी हकीकी जिंदगी की एरिया अदाकारी के जोहर दिखाएंगे और यूं ये सूरतेहाल दोनों सीरीज की रेटिंग में भी इजाफे का बाइस बनेंगे। नाजरीन, अब आपको बुराक यानी उस्मान के बारे में बताएंगे कि वो आजकल अपना ज्यादातर वक्त अपने बेटे के साथ गुजार रहे हैं। जी हाँ, चूंकि उनकी बीवी सलजूक ड्रामे की शूटिंग कर रही हैं, तो उस वजह से उस्मान अपने बेटे के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने नए आने वाले सीरीज के लिए बहुत पुरजोश हैं। नाजरीन, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मज़ीद हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहें।